Hey everyone, welcome back to my channel. I am Krrish. Guys, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और एक यूनिक सा जो है फेशियल बताऊंगी आपको. अभी जो है समर्स का टाइम है एंड समर्स में ये फ्रूट बहुत ज्यादा मिलता है. इट्स अ मैंगो. मैंगो फेशियल बताऊंगी मैं आज आप लोगों को. मैंगो बहुत लोगों को जो है खाना अच्छा नहीं लगता है, बट जिनको खाना अच्छा नहीं लगता है वो प्लीज इसका फेशियल ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. और जिनको खाना अच्छा लगता है वो खाने के साथ साथ भी ये फेशियल कर सकते हैं. आप वन पार्ट खाइए एंड वन पार्ट उससे थोड़ा फेशियल स्टार्ट कर दीजिए. बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है एंड इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है. एंड मैंगो फेशियल मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. एंड समर्स में ये फ्रूट बहुत ज्यादा मिलता है घर में. हर किसी के घर में जो है मैंगो ही मैंगो होता है. तो आप लोगों को जो है पर्सनली जाके अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, जो ये लाओ अलग से वो लाओ ऐसा कुछ नहीं है. जितनी भी चीजें घर में मिल जाएगी आपको एंड सारी जो घर की चीजों से मैं आज पूरा आपको फेशियल कैसे करना है वो बताऊंगी. तो चलिए ये मैंगो फेशियल स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो गाइस चलिए ये मैंगो फेशियल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इसे स्टार्ट करते हैं. एंड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैंगो. एंड मैंगो जो है आपको लेना है और इसको जो है आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसकी जो पल्प को है आपको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से जो पीस लेना है ताकि एक अच्छा सा पल्प बन जाए, कोई भी जो है उसमें लम्स ना रहे. अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसना है तो आप इसको स्पून की हेल्प से भी जो है अच्छे से पीस लीजिए तो आराम से वो आपके एक फेशियल के लिए जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा. सो दिस इज द मैंगो पल्प गाइस जो मैंने तैयार कर लिया है. एंड अभी हम जो है इससे फेशियल स्टार्ट करेंगे. ये मेरा वन साइड का जो है मैंगो है एंड हाफ साइड जो है मैं वो खाने वाली हूँ बाद में, फेशियल के बाद. तो फर्स्ट हम फटाफट से जो है इसको स्टार्ट करते हैं फेशियल करना. सो गाइस जो फर्स्ट स्टेप है फेशियल का वो है क्लींजिंग. और क्लींजिंग के लिए हम लेंगे मैंगो जो है आप जब उसका पल्प निकालेंगे तो उसकी जो स्किन है मैंगो की आपको उसे फेंकना नहीं है. वो बहुत ही ज्यादा जो है यूजफुल है हमारी क्लींजिंग में वो काम आएगा. तो मैंने वो संभाल के रखा है. सो गाइस दिस इज द मैंगो स्किन जिससे मैं मेरी स्किन की क्लींजिंग करने वाली हूँ अच्छे से. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आप अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिए. जब भी फेशियल कर रहे हैं तो अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए. मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है. अब हमारा जो है हम क्लींजिंग स्टार्ट करते हैं. सो गाइस मैंगो स्किन में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है. इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन के पोर्स को क्लियर करता है. इसमें डर्ट एंड ऑयल जमी हुई रहती है उसको क्लीन करता है. ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है. अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है तो आप मैंगो पिल्स को जो है आसानी से अपने स्किन पर रब कीजिए तो आपको एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी. ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा एंड आपकी स्किन में जितनी भी डर्ट एंड पॉल्यूशन है वो सारी जो है रिमूव कर देगा. इसको आपको 5 मिनट्स तक जो है अपने स्किन पर रब करना है. इट्स डन. अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ. सो गाइस मैंने ये वॉश कर लिया है क्लींजिंग के बाद अपना फेस. अब मैं टॉवल ड्राई कर लूंगी इसको अच्छे से. अब हमारा सेकेंड स्टेप करेंगे स्क्रबिंग. स्क्रबिंग के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून शुगर लेना है आपको. इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून मैंगो पल्प. अब इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्क्रब करना अपने फेस पे. सो गाइस मैंगो में विटामिन ए एंड विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को स्मूथ रखता है. ये हमारी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है. ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है एंड ये हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है. ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. ये सभी स्किन टाइप पे सूट होगा, कोई भी स्किन टाइप हो आपकी. एंड ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड ग्लोइंग बना देता है. एंड इसमें मैंने ऐड किया है शुगर. शुगर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है एंड ये बहुत ही नेचुरल है शुगर. आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है. उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए. ये आपकी स्किन से सारे डेड सेल की प्रॉब्लम को दूर कर देगा. सो गाइस स्क्रबिंग के बाद मैंने अपने स्किन को वॉश कर लिया है एंड आपको शायद तक थोड़ा सा तो डिफरेंस दिख ही रहा होगा ना कि थोड़ा सा क्लियर तो हुआ है. तो मैंने अपने जो है फेस को अच्छे से डैप कर लिया है. अब हमारा जो है थर्ड स्टेप करेंगे हम. थर्ड स्टेप में मसाजिंग. मसाजिंग के लिए स्टार्ट करते हैं चलिए. सो गाइस मसाजिंग के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून मैंगो पल्प. अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून हनी. हनी आपको 1 टेबलस्पून पूरा ऐड करना है, दोनों एक एक चम्मच जो ही लेना है. अब इसको अच्छे से जो है मिक्स कीजिए.
सो स्टार्ट करते हैं गाइस ये मसाजिंग करना। अपने स्किन पे आप इसे पहले अच्छे से जो है लगा लीजिए, एक पूरी लेयर जो है इसकी पहले अपने स्किन पे लगा लीजिए अच्छे से। अब इसकी अपनी फिंगर टिप से जो है मसाज करनी है। सो गाइस मैंने इसमें ऐड किया है हनी एंड मैंगो। हनी हमारी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है, ये हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्स को इवन टोन रखता है, ये बहुत ही अच्छे क्लियर करता है हमारी स्किन को एंड डेक्सल की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ये जो मसाज है आपको बहुत ही रिलैक्स होकर लेनी है, एकदम हल्के हाथों से जो स्मूथली अपने फिंगर टिप से जो है प्रेशर करके अच्छे से जो है मसाज लेनी है। अंडर आई, अपर आई लिड, सब जगह जो है आपको इसे अच्छे से जो मसाज लेनी है। ये आपके स्किन की सारी जो है डेड सेल एंड ब्लैकनेस को दूर कर देगा एंड आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा जो रिफ्रेशिंग लुक देगा। फोरहेड में अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो आप उससे अच्छे से जो है मसाज लीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। मसाजिंग से आपकी स्किन को जो है एक रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ही अच्छा सा जो है कैसा लगता है, नींद आने वाली है। ये मसाज आपको जो है 5 या 7 मिनट तक जो है लेनी है पूरी मसाज अच्छे से। सो गाइस इट्स डन, अभी मैं इसे वॉश करके आती हूँ अपने फेस को अच्छे से। सो गाइस मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है मसाजिंग के बाद एंड मेरी स्किन इतनी रिलैक्स लग रही है ना अभी, लाइक इतना अच्छा सा जो है मसाज लिया है, मैंने खुद नहीं लिया है तो भी बहुत ही ज्यादा जो है रिफ्रेशिंग लग रहा है। सो गाइस हमारा लास्ट स्टेप करते हैं फेस मास्क का, जो 4th स्टेप है हमारा, तो वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून मैंगो पल्प। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है फुलर सर्क जो कि है मुल्तानी मिट्टी, ये आपको जो है 2 टेबल स्पून ऐड। इसके बाद आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून कर्ड। अब इन तीनों चीजों को आप अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। अगर आपका बैटर थोड़ा सा जो है थिक हो रहा है तो आप इसमें जो है मैंगो पल्प 1 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं, बट ज्यादा जो है लिक्विड ही नहीं बनाना है बिकॉज फेस मास्क है तो टपकना नहीं चाहिए, एकदम जो है सॉलिड रहना चाहिए फेस के ऊपर। सो गाइस ये मेरा रेडी हो गया है फेस मास्क, दिस इज द फेस मास्क। ये कुछ ऐसा जो है आपका होना चाहिए फेस मास्क, ज्यादा थिक नहीं एंड ज्यादा जो है लिक्विड नहीं। तो चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, ये हमारी स्किन को टाइट रखता है, ये हमारी स्किन को वाइट करता है। अगर आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्स ब्लैक है तो आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्स को इवन कर देगा एंड आपकी स्किन में जितने भी ऑयल्स है वो सारी जो है चली जाएगी, बिकॉज ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड। कर्ड हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है एंड इसको क्लियर करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये एंटीबायोटिक है तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। सो गाइस ये लगा चुकी हूँ मैं पूरा अपने फेस पे, इसको आपको 20 मिनट तक अपने फेस पे लगा रखने देना है, उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। सो गाइस मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है फेस मास्क के बाद एंड आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी जो है ग्लोइंग लग रही है एंड इसका इफेक्ट जो है एकदम विजिबल है कि मेरा फेस जो है ये फेशियल करने से पहले जो है कैसा था एंड अभी कैसा लग रहा है। सो इट्स सो सॉफ्ट 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 स्किन हो गई मेरी एकदम एंड ये फेशियल करने में आपको बहुत ही कम टाइम लग रहा है, घर पे जो इजीली हो जा रहा है आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है एंड घर की चीज़ों से जो है हो रही है फेशियल एंड पूरा जो है नेचुरल एकदम है जो फेशियल, आप बिल्कुल भी इसमें कॉस्मेटिक नहीं है, बिल्कुल नेचुरल फेशियल है एंड ये फ्रूट फेशियल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मुझे खुद को फील हो रहा है, खुद को अच्छा लगना चाहिए यार, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना फेस एंड अपने हैंड्स। सो गाइस इसके बाद फेशियल करने के बाद हमारी स्किन जो होती है उसकी पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो अब मैं बता रही हूँ टोनर लगा लीजिए आप एक अच्छा सा, मैं लगाऊंगी अभी टैबा का रोज वाटर यूज करूंगी मैं टोनर के लिए, और अगर आप हैंडमेड टोनर चाहते हो तो मैं उसका भी अगर आप चाहोगे तो वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट अभी मैं डाबर का रोज वाटर यूज कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, रोज वाटर जो है कॉटन पैड में ले लीजिए, देन इसको जो है डैप कर लीजिए अपने स्किन पे अच्छे से। आप चाहे तो रोज वाटर को एज अ आइस क्यूब भी लगा सकते हैं, रोज वाटर को आइस ट्रे में जो है जमा लीजिए, देन जब ये फेशियल कंप्लीट हो जाए
तब आप जो है इसको आराम से अपने स्किन पे जो है रब कर लीजिए आईज को, तो वो और अच्छा इफेक्ट देगा, फुल इफेक्ट देगा। एंड आईज जो होती है वो ओपन पोर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंड कूल करती है हमारी स्किन को, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इट्स डन गाइज, मेरा हो चुका है ये फेशियल। अब नेक्स्ट है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज की है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसके बाद आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई और लगेगी, तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए या फिर आप जो है कोई भी एलोवेरा जेल पतंजलि का या कोई भी दूसरे ब्रांड का यूज कर सकते हैं। बट मॉइस्चराइजर जो है आप टोनर अप्लाई करने के 5-10 मिनट बाद यूज कीजिए। एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, मेरी स्किन अगर अभी ड्राई लगेगी तो ही मैं इसे यूज करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करने वाली। अगर मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगे तभी यूज करूंगी, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही होगी तभी आप इसे यूज कीजिए। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक फेशियल बताया था, कर्ड फेशियल, उसमें शायद तक मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे बताया था कि उनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई लग रही थी, तो इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन फेशियल के बाद जो है ड्राई लग रही है, बिकॉज फेशियल में हमारी स्किन की बहुत सारी मसाज होती है अच्छे से, तो उसकी वजह से क्या है ना, हमारी स्किन जो है लास्ट में फेस पैक के बाद वो थोड़ी सी खिंचती है, बिकॉज मसाजिंग में आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होती है, हम उसको अपर डायरेक्शन में करते हैं तो उसके जितने भी नेचुरल ऑयल्स होती है वो सारी जो है चली जाती है, तो इसी वजह से वो बिल्कुल जो है नेचुरल ऑयल्स नहीं होते उसमें, एंड इसीलिए जो है हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, फेशियल आप कहीं भी जाके करवा लो, इसमें ड्राइनेस होगी होगी, और होम मेड फेशियल है तो इसमें तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो अगर आप जो चाहें प्लांट का भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अगर घर पे लेना चाहे तो आप ये पतंजलि का यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप कोई भी जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो जो यूज करते हो रेगुलर, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फेशियल के बाद। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।